कमाएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हेलो वेलकम दोस्तों, बहुत ही फिर हम नए ट्यूटोरियल के बारे में बात करें जो ट्यूटोरियल पे काफी ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बाजीगर मैं बाजीगर, एक सोहेल भाई का वीडियो था जो काफी ट्रेंडिंग में चला, उस पर बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल भी बताया गया, लेकिन मैं सबसे यूनिक बताया था। मैं इस वीडियो में आपको सबसे यूनिक बताऊंगा उसी सोहेल भाई का दूसरी वीडियो के बारे में। दोस्तों मैं जब आऊंगा गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इस टाइप का सॉन्ग है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, सैड से जो सोहेल भाई की वीडियो है ये काफी ट्रेंड में चलना शुरू हो गया। दोस्तों जिस भी वीडियो को अपलोड करता है सोहेल भाई अभी वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चलने लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें यूनिक रहता है, कुछ अलग रहता है, तो आपको भी हटके थोड़ा सा इससे एडिटिंग करना है और इससे हटके ही बनाना है। तो मैं भी आपको सेम प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ यूनिक कर देना है। दोस्तों चलिए वीडियो प्रैक्टिकल बताने से पहले बार बार बोलता हूं आपको, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको उस इमेज को डाउनलोड करना है, स्काई का इमेज को डाउनलोड करना है। नेक्स्ट आपको उस एरोप्लेन का इमेज का सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना, सारा इमेज आपको एक सूरज का सन जो है सब चीज़ इमेज आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सबको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम एडिटिंग पे चलेंगे। दोस्तों एडिटिंग बताने से पहले बोलता हूँ आपको, सबसे पहले इस डायरेक्शन में आपको वीडियो शूट करना है। मेरे वाले देखिए मैंने जिस एक्टिंग में शूट किया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप करने के बाद चलते हैं हम काइन मास्टर एडिटिंग के, और एडिटिंग बताने से पहले बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वक्त आपको यहाँ पर टिकटॉक से रिलेटेड ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों हर वक्त अगर आपसे एडिटिंग नहीं हो रही तो मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजिए, मैं एडिटिंग करके सफलतापूर्वक आपको तुरंत भेज दूंगा। मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से काइन मास्टर को ओपन कीजिए। सबसे पहले काइन मास्टर ओपन करते यहाँ पे प्लस पे जाइए, 916 का सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को लेना जो आपने सिंपल कैमरे से शूट करके रखा है, ठीक है। चलिए हम सिंपल कैमरे वाले अपने वीडियो को ले लेते हैं जो मैंने सिंपल कैमरे से शूट कर रखा है। तो यह है हमारी इस वीडियो, जिस वीडियो को मैंने उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी आवाज़ को वीडियो को कम कर देना, आपको कम नहीं करना है, मुझे इसे कम करना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉन्ग को सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए आप क्या करना, अगर आपकी वीडियो सही तरह से कैमरे में अच्छी तरह डायरेक्शन में बन गई तो ठीक है, नहीं तो आप इसे जूम भी कर सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर जूम कर लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने जूम कर लिया, अब यहाँ पे क्रॉपिंग पे जाके इसे हम इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या करना आपको, इस लेयर पे जाइए, मीडिया पे जाइए, बैकग्राउंड पे जाइए, और यहाँ से एक इस कलर का ले लीजिए जो ग्रीन कलर का है, और इस कलर फिल्टर में जाके इसे ब्लू कर दीजिए। ब्लू करने के बाद इस तरह से मैचिंग करने के बाद नेक्स्ट इसे कर दीजिए तीर भर के फुल, ठीक। नेक्स्ट नीचे चलिए जहाँ पर आपको ब्लेंडिंग दिख जाएगा, इसे कर दीजिए ओवरले में कन्वर्ट, चाहे मल्टीपा, ठीक है, मल्टीपैड ठीक रहेगा, चाहे ओवरले भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं मल्टीपा ही रखता हूँ जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है दिखने में, ठीक है। चलिए ये मल्टीपा हो गया रेडी, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करना है, हमें यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले काट के हटा दिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा वीडियो रेडी है। यहाँ पे देखिए जिस तरह मैं मीटर गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगा एक्टिंग करते हैं, वहीं पे आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो को यहाँ पे ले लेना है, और इस वीडियो को क्या करना है आपको क्रोमा की में जाके इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद इसे आप इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए, इस तरह से छोटा करने के बाद इसे आप इसे छोटा करने के बाद यहाँ पर आप इसे साइड में रख दीजिए, ठीक है, इस तरह से छोटा कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या करना आपको, इसका कलर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाइए, इसे कर दीजिए फुल, ब्राइटनेस को फुल कर दीजिए, नेक्स्ट इसे भी कर दीजिए फुल यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखते हैं हमारा कहाँ से एक्टिंग मैचिंग होता है, ठीक, ये कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना आपको, यहाँ पर इसी जगह पर जाना है फिर से आपको, और यहाँ पर इसे घसका के इधर दे देना है, जहाँ से आप हाथ को ऊपर करते हैं वहीं से मीटर चलना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ से ठीक ये हो गया। आप इसे थोड़ा पकड़ के यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं आपके अनुसार। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, लेयर पे जाना है, फिर मीडिया पे जाना है, यहाँ से डाउनलोड किए हुए सन को आपको उठा के धर देना है, सूरज को, चलिए सूरज को धर दिए। अब देखिए क्या करना है, इसे थोड़ा छोटा करना है, यहाँ पर छोटा करना है यहाँ से, और नेक्स्ट इस चाबी पे क्लिक करना है, और यहाँ से लास्ट में जाके जैसे मैंने ऊपर किया प्लस जाके ऊपर करके इसे हम इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारा इमेज किस, हमारा वीडियो किस तरह से रेडी होगा, इस तरह की रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस ब्लू वाले कलर को थोड़ा इधर खींच दीजिए,
इस तरह से एडजस्टिंग देखते हैं हमारा किस तरह से हुआ। एक्टिंग किए, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब फालतू का पार्ट को यहाँ से काट के आप हटा दीजिए। अब इसे कर लीजिए अपने गैलरी में आप एक्सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरी पार्ट को लेते हैं 916 का। तो हम अपनी इस वीडियो को लेते हैं जो मैंने फाइनली सिंपल कैमरे से शूट कर रखा है, ठीक है। देखिए आप क्या करना है, आपको अपने वीडियो का बैकग्राउंड आपको स्काई में उस बादल को लगाना है। इसके लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट एज लेयर कर दीजिए। आप इस लेयर पे क्लिक करके, ठीक है, इस तीर को यहाँ से खींच के बराबर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से डाउनलोड किए हुए उस बैकग्राउंड इमेज को लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वाली इमेज को लीजिए और यहाँ से इसे कर दीजिए फुल, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसे थ्री डॉट लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट के नीचे में दीजिएगा और यहाँ से सेंटो बैक कर देना है, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, इस लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रोमा की इसे कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद आपको की कलर में जाना है, यहाँ से इस तरह से स्काई कलर में मैच कर देना है, ठीक है। देखिए किस तरह से हमारा खतरनाक तरीके से रेडी हो चुका है। और थोड़ा यहाँ डिटेल कर्व में जाके आप गाढ़ा भी कर सकते हो जैसे मैंने कर दिया। चलिए हम आपको चला के दिखाते हैं हमारा वीडियो किस तरह से रेडी हो चुका है। तो हम फालतू पार्ट को पहले काट के हटा दें तो वही बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हम इस फालतू पार्ट को काट के हटा देते हैं। तो यहाँ से हम फालतू पार्ट को काट के हटा देते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से रेडी होगा। तो दोस्तों देखते हैं, इस तरह से हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, बैकग्राउंड में हमारा सूरज भी आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे लेयर पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड किए हुए उस आग का वीडियो ले लेना है और इसे यहाँ पे क्रोमा की इनेबल करके इसे कर देना है चेंज, बैकग्राउंड चेंज, और 50 से इसे जीरो कर दीजिए। डिटेल कर्व में जाके इस तरह से इसे कर दीजिए सीधा। नेक्स्ट इसे इस पर क्लिक करके इस तरह से इसे बड़ा कर दीजिए, ठीक है। वीडियो रेडी हो चुका, अब इसे कर लीजिए अपने गैलरी में एक्सपोर्ट। से प्लस पे चलिए, फिर से 916 का वीडियो जो कि एक्सपोर्ट किया अभी हम दोनों वीडियो को, उस वीडियो को उठा के यहाँ पे धर दिए, इस वीडियो को ले लिए, इस वीडियो को ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आगे बढ़ना है, इस पर क्लिक करना आपको। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको हीट एंड ब्रेक वाला इफेक्ट डाल देना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये गेट मोड पर जाइए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाल दीजिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वीडियो हमारा कितनी खतरनाक तरीके से रेडी हो चुका है। फिट तो दोस्तों देख सकते हैं वीडियो काफ़ी धमाकेदार और ख़तरनाक बन चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे वीडियो एडिटिंग नहीं हो रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजिए और हमें सेंड कर दीजिए, प्लीज़ भैया बना दीजिए, बस इतना ही कहने की देरी है। आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, आपको जस्ट भेज दूंगा। बस इस तरह से कोई वीडियो आसानी से बना सकते हो, बहुत ही शॉर्टकट तरीका था। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ शुभ। थैंक यू।